हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है एक सिमटेक प्लग एंड प्ले हैज़र्ड मॉड्यूल। ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है, इसमें कोई वायरिंग कटिंग वटिंग करने की जरूरत नहीं। तो एंड वारंटी भी अवॉइड नहीं होगी स्लैशर के साथ। एंड बहुत इजी प्रोसेस है इसका इंस्टॉलेशन का। एंड यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है, बट पर्टिकुलरली किसी भी वीडियो में तीनों 2019 2020 और 2021 मॉडल कवर नहीं करें। तो मैंने बोला एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी बाइक्स के लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए, जिसमें एक ही वीडियो में तीनों बाइक कवर करेंगे। एंड जो पहली बाइक है हमारी वो है ड्यूक 200 2019 मॉडल, एंड दिस इज़ अ BS4 वर्जन, एंड दिस इज़ RC 200, इट इज़ ऑल्सो BS4 बट इट्स 2020 मॉडल। एंड लास्टली वी है KTM ड्यूक 200 2021 मॉडल, एंड इट्स अ BS6 वर्जन। सो ये जो हैज़र्ड है, ये तीनों 2019 के बाद जितने भी बाइक्स आई हैं KTM की उनमें वर्क करेगा। इवन द ड्यूक 125 एंड जो एडवेंचर है उसमें नहीं चलेगा, उसका अलग है फ्लैशर। तो आप सिमटेक की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं और अमेजोन में भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये फ्लैशर डोमिनार में भी काम करेगा, जो तुम्हारा 2019 मॉडल के बाद वाले हैं, क्योंकि जो 2017 मॉडल है उसमें प्लग एंड प्ले सिर्फ डायरेक्टली मॉड्यूल आता है, तो वो अलग है एंड दिस इज़ अ डिफरेंट वन। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन करेंगे हम इसमें 2019 मॉडल में। सो अनबॉक्स करते हैं इसको। एंड ये हमारा फ्लैशर, इसमें आपको 4 1 2 3 6 कनेक्टर मिल जाएंगे। एंड बताऊंगा आपको इस मॉडल पे कहाँ पे लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी, कुछ लोगों की मैंने वीडियो देखी है फ्रंट में इंस्टॉल करते हैं फ्रंट हेडलाइट में, बट 2019 मॉडल में ये फ्रंट में नहीं, रेयर सीट में होगा। रेयर सीट के अंदर मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल करेंगे। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले जो इसका फ्यूज़ बॉक्स है ये, इसको आपको निकालना पड़ेगा। एंड थोड़ा ये हार्ड हो सकता है निकालना, बट ईजिली निकल जाएगा थोड़ा ताकत लगा के। एंड यहाँ पर आपको मिलेगी वायर्स, जो इसकी इंडिकेटर वगैरह सबकी वायर है। एंड आपको जो इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, जो इसमें कनेक्टर है मेल और फीमेल कनेक्टर, सो डायरेक्टली इसको इसमें लगाना है। एंड बहुत ईजी इंस्टॉलेशन है, ग्रीन को ग्रीन में एंड ग्रे को ग्रे में, इसको भी ग्रे को ग्रे में, बचा रेड वाला। सी इट्स टू ईजी टू फिट हियर। एंड ये है वर्जन 4, इसको इंस्टॉल करने का तभी फर्स्ट चेक करते हैं, फिर इसको वापसी लगा देंगे। फ्लैशर है जो है वर्जन 2, तो ऐसी कोई बात नहीं कि वर्जन 3 2 कोई नहीं चलेगा। सारे जो भी न्यू मॉड्यूल है ये सारे काम करेंगे। इसमें 6 पिन कनेक्टर होगी, काम करेंगे इसमें भी। एंड बहुत इजी इंस्टॉलेशन। एंड आपको अभी बाइक का इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे तो इंडिकेटर की आपने देखा कि लाइट फ्लैश होना स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब आपका जो फ्लैशर है वो वर्क कर रहा है। देख सकते हो कोई वायर कट नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। एंड दिस फ्लैशर हैज़ 35+ पैटर्न। एंड सबसे इजी जो बात है इसको फ्लैशर पैटर्न चेंज करना, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली राइट लेफ्ट सेंटर, इसमें हो जाएगा पैटर्न चेंज। अभी देखने से ये पैटर्न चल रहा है, राइट लेफ्ट सेंटर हो गया चेंज। अभी नेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर। वैसे आप अपने 40 में से कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपकी प्रेफरेंस है। एंड इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है कि लाइक इन फॉगी वेदर एंड एमरजेंसी हैज़र्ड लैंप होते हैं। बाकी सुपर बाइक्स में तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, डेडिकेटेड बटन आता है, बट KTM के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। इसका इंस्टॉलेशन तो हो गया कंप्लीट, अब हम करेंगे RC 200 में इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इसका भी सेम प्रोसेस है, बट इसका भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि RC में कैसे करें, ड्यूक में कैसे करें।
तो ये उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपने रियर सीट निकाल ली, इसमें भी सेम ही चीज़ है। इसका यहाँ पर ये की होगा, ये रबर से सील है वाटर प्रूफिंग के लिए। इसके अंदर है इसमें सारे इसके कनेक्टर्स, वो ग्रे को ग्रे में, एंड दिस इज लास्ट ऑन द ग्रीन वन। एंड इसको कवर कर लेना है। इसमें भी सेम है, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तो चार इंडिकेटर एक बार ब्लिंक करेंगे, फ्लैशर इज टर्न ऑन। इसमें भी सेम है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड राइट लेफ्ट सेंटर करोगे तो फिर ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा आपका फ्लैशर। तो आप इसमें भी सेम प्रोसेस है। द लिस्ट अब BS6 मॉडल है, तो कैसे इंस्टॉल करना है, सेम फ्लैशर है इसका भी सेम है, रेड सीट खोल लिया इसमें, एंड इसमें भी सेम है, ग्रीन को ग्रीन कलर से, एंड लगाने के बाद रेड टू रेड इन रेड। बाकी तो ये इंस्टॉलेशन इसकी, इसका इग्निशन ऑन करते हैं। अभी लाइट ब्लिंक करी, अगर फ्लैश सर इसमें अभी ऑन हो गया। सो बहुत इजी प्रोसेस है एंड वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं रहे। तो आफ्टर द फ्लैश इंस्टॉलेशन कुछ ऐसा लुक आ रहा है। एंड जो प्राइस करते हैं अपने फ्लैशर की कॉस्ट आपको करीब पड़ेगी अराउंड 1300 to 1500, डिपेंड करता है मार्केट प्राइस की क्या चल रही होती है। ऑनलाइन आप इसको ज़्यादा डिस्काउंट में भी ले सकते हैं कभी ऑफर में, एंड इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड और तरह के फ्लैशर के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा। एंड बाकी अगर आपको जाना इंस्टॉलेशन की वीडियो देखनी है तो उसका भी आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो टिल देन गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। चलो।